कौन सी ब्रांच से बेटा? हांसी के आसपास। अच्छा महम से, ठीक ठीक, सारे महम से, बहुत बढ़िया बेटा। इतने सारे बच्चे किस चीज़ में सर? ये पुलिस में, आर्मी में, अच्छा वाजपेयी बेटियां भी हैं। किस चीज़ में हो गया बेटा? अच्छा ट्रेनिंग पूरी हो गई है। ये बेटा हमारी हांसी ब्रांच के, ये महम, महम ना, महम पढ़ती है हमारी, बहुत बढ़िया बेटा। रोहतक में बेटा महम का एरिया पड़ता है और महम को हम हरियाणा जीके में हमेशा पढ़ते आए हैं यहाँ पे। हाँ चौबीसी चबूतरा, 24 गाँव की बड़ी पंचायत, आपसे नहीं बहुत पहले से लगा करती थी। इसके अलावा चिड़ियाघर का जब जिक्र आता है, हिरण उद्यान का, तब भी महम का नाम। अब देखो आज कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, ये बेटियाँ भी हैं और बेटे भी, अलग अलग डिपार्टमेंट में इनका सिलेक्शन हुआ। लड़कियाँ बता रही हैं आप पुलिस में लग गई हैं, ट्रेनिंग हो गई पूरी? अच्छा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में लगा, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा हमारे यहीं सोनीपत में पुलिस लाइन से, अच्छा भिवानी ब्रांच से हो तुम बेटा, तुम किस चीज़ में सेलेक्ट हो? हरियाणा, यहीं पे तुम भी सोनीपत में? अच्छा बहुत बढ़िया। देखो ये अलग अलग, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। ये देखो बेटियां ना दूसरे जिलों की हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए इनको सोनीपत में बुलाया गया। सोनीपत में पुलिस ट्रेनिंग जो सेंटर है ना, वहाँ इनकी ट्रेनिंग हो रही है। बहुत सारी लड़कियां वहाँ हमारी और भी हैं अलग अलग ब्रांचेस की, तो कह रही है वहाँ परमिशन लेनी पड़ती है बेटा आने के लिए, ऐसे नहीं आ सकते। तो ये तीनों अभी प्रेजेंट में सोनीपत में अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं। और तुम सारे बेटा किस किस चीज़ में हो? रेलवे में हो गया, बहुत बढ़िया। कहाँ पर हो रेलवे में? कहाँ पर हो, कहाँ? हाँ अच्छा फाइनल हो गया, ठीक है। आर्मी में कब जाना है? अगले अक्टूबर में जाएंगे। बहुत सारे सारे एक जैसी शर्ट कैसे पहने हुए हो? अच्छा ग्रुप है तुम्हारा, अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा ये दोनों ना, वो तीसरा रूप चला मेरा भाई। अच्छा तुम्हारा बेटा रेलवे में और तुम्हारा आर्मी में। तो देखो आर्मी, रेलवे और हरियाणा पुलिस में अपनी सर्विसेज देंगे ये बच्चे जो तुम्हारे सामने, जोरदार तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया बेटा। एक्चुअली आप अभी पहुंचे हैं सर, अभी पहुंचे हैं ना आप लोग? मेरी बातचीत नहीं हुई, मैं खुद भी नहीं जानती इन सबका पारिवारिक परिवेश कैसा रहा, क्या कुछ इन्होंने किया, तो ये अपने अपने बारे में खुद बताएंगे। सबसे पहले बेटियों से बात करते हैं, कहाँ से हो बेटा? मैडम भिवानी से। भिवानी से, पिताजी क्या करते हैं? नहीं है पिताजी? अच्छा कब एक्सपायर हुए? 8 में, तो बहुत छोटी रही होगी। फिर मम्मी क्या करती हैं? मजदूरी करते हैं। देखो इसके पिताजी, अच्छा इसके पिताजी 2008 में एक्सपायर हो गए थे, तब तो एज बहुत ही कम। कितने साल की थी बेटा? बहुत छोटी थी, इसको याद भी नहीं है। पिताजी जब गुजरे, माँ मजदूरी करती हैं, माँ ने पढ़ा लिखा दिया, आगे किस्मत बहुत अच्छी है, हस्बैंड बहुत अच्छा मिला। पिछले हफ्ते जो थे एक लड़की, याद है, तो मजदूर थे, उसके हस्बैंड भी, उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया, अपनी वाइफ को पढ़ा के, और देखो MPHW में अच्छी सैलरी पर थी। हाँ अच्छा परिवार मिला, यहाँ थोड़ी सी किस्मत भी चाहिए होती है कि आपको परिवार आगे कैसा मिला। जैसे पिताजी नहीं थे, माँ मजदूरी करती थी, लेकिन हस्बैंड और इन लॉज अच्छे मिले, जिसके चलते आज देखो ये पुलिस में अपनी सेवाएं दे रही है। थोड़ा सा इनको बताओ ज़रा क्या कुछ तुमने किया जब तुम फेल होती थी, क्योंकि कई बार फेल होना पड़ता है, फेलियर के बाद ही सफलता मिलती है एकदम से। अरे वाह, इस बच्ची का PGT इंग्लिश, अच्छा TGT इंग्लिश का पेपर पास है, उसमें फाइनल में इसकी उम्मीद है हो जाएगा। DV हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, TGT हो गया ना बेटा, तो फिर तो जिंदगी ही अलग है। TGT की सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, दुगनी है लगभग, अभी मेरे ख्याल 35-40 पे होगी, 70,000 प्लस की नौकरी पे इसका फाइनल हो गया, DV हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पहले हर एक का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं, फिर उनसे बात करवाएंगे। तुम्हारा नाम बेटा? सविता। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। और पढ़ने का विचार कैसे आया? अच्छा परिवार में कोई पढ़ा, तुम्हारी पहली नौकरी है, पिताजी बहुत खुश होंगे, उनको भी ले आती तो बहुत अच्छा लगता, पर तुम शायद सोनीपत से ही आई हो, ठीक है, जाके उनको बताना कि मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं मैंने भेजी हैं। तुम बेटा? कैथल से। पिताजी क्या करते हैं? अच्छा और घर में कितने लोग हैं जॉब में? तुम भी पहली नौकरी हो बेटा। ये देखो ये जो है ना, ये अपने आप में उदाहरण है, इनके घर में कोई नौकरियों में नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके पिताजी बहुत अमीर थे। इस तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे ये मैनेजर
अच्छा प्राइवेट जॉब करते हैं। अब देखो ये तुम्हारे जैसे परिवारों से हैं, इन्होंने बस ये सोचा कि हमें पढ़ लिख के काबिल बनना है और आज हम मिठाई के डब्बों के साथ खड़ी हैं, इसी को बोलते हैं अचीवमेंट। तुम थोड़ा सा इधर आ जाओ बेटा मेरे पास। हाँ बेटा क्या नाम है तुम्हारा? लोकेश। लोकेश कहाँ पे? आर्मी में? रेलवे। रेलवे में। और कितनी एज है बेटा? 25 साल। और पिताजी तुम्हारे क्या करते हैं? पिताजी मैं खेती करते थे, वो मैंने छुड़वा दी। अच्छा तुमने छुड़वा दी खेती? इसलिए छुड़वा दी कि मेरे सपने पूरे करने हैं, मैंने तो खेती मेरे छोड़ दोगे तो सही है। बहुत बढ़िया। देखो इसके पिताजी भी किसान थे, इसने ये कह के पिताजी की किसानी में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है बेटा, निकलता कुछ है नहीं। अब ये लग गया, 25 साल का लड़का है, नौजवान लड़का है, इसने अपने पिताजी को कहा अब आप बेशक खेती मत करो और अब मैं कमाऊँगा। कितनी बड़ी बात है ये। चलो इसकी ना कहानी मैं तुम्हें मौका दूंगी बेटा, तुम खुद बताना। ये बता रहा है कि मैं भी खेती में आ गया था, ग्रेजुएशन की, खेती करने लग गया, 2 साल खेती की, फिर इसको कुछ ना कुछ ऐसा एक होता ना दिल पे लग जाती है बात कि नहीं ये काम मैं करके दिखाऊंगा। वहां से इसकी जिंदगी कैसे मुड़ी उस बारे में इससे खुद बात करेंगे, थोड़ी देर में बात करते हैं बेटा। तुम्हारा नाम? योगेश। कितनी एज है बेटा? ये 20 साल का लड़का है। और कौन सी चीज़ में? आर्मी में। आर्मी में सेलेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ महम ब्रांच के बच्चे हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, महम वाले। 20 साल में तेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया बेटा। तेरे मन में कब आया था कि मैं नौकरी लग जाऊँ? एक साल पहले। बहुत बढ़िया। पिताजी क्या करते हैं? डेथ हो गई कब? 2021। अच्छा इसमें पेंडेमिक के उसमें? अच्छा एक्सीडेंट हो गया था बेटा। तुझे घर संभालना पड़ेगा सारा, पर तेरे देख कंधे अब मजबूत हो गए, अब तेरे साथ सरकार खड़ी हो गई, कोई दिक्कत आई तो अपना घर संभाल सकता है ना। और तुम्हारा बेटा क्या नाम है? मनीष। कितनी एज है बेटा? 19 साल। ये एक 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 घटता चला आ रहा है, ये 19 साल का है। और किस चीज़ में हो गया बेटा? आर्मी में हो गया। इसके लिए ज़ोरदार तालियां बजाओ। उम्र जितनी कम होती है जिम्मेदारी का आभास भी उतना ही कम होता है। तो पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो सबसे पहली नौकरी है तेरी अपने घर में, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। और तुम बेटा किस चीज़ में? रेलवे में। तुम्हारी एज कितनी हो गई? 32 साल। तुम्हारा बस चलते चलते जो बढ़िया लास्ट है ना भागते चोर की लंगोटी सही कि जो मिल जाए वो मिल जाए, बहुत बढ़िया। देखो अंतर होता है बेटा उम्र का। अब जैसे ये 19 साल का है, ये 32 साल का है, इसने जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव देख लिए, पर शुक्र है इसको अब जाके, क्योंकि अब के बाद लाइफ और टफ होती जाती, जितनी उम्र आगे बढ़ती है ना उतनी जिंदगी टफ होती है। तुम्हारे दिमाग में कैसे आया कि नौकरी की तैयारी कर लूँ? अच्छा 28 में तुमने कोचिंग लेनी स्टार्ट की। कई बार ना सबकी परिस्थितियां बेटा समान नहीं होती, इसमें ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। जब ये पढ़ने आया हमारे पास तो ये शादीशुदा था, परिवार वाला था, इसके ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी, वाइफ अपनी और पीछे मेरे ख्याल माँ बाप भी हैं उनकी जिम्मेदारी भी। तभी देखो ये ज़्यादा मैच्योर है, इसने कुछ चीज़ें समय पर डिसीजन नहीं लिया था, लेकिन फाइनली जब आया तो इतनी मेहनत की कि आज ये मिठाई के डब्बे के साथ है। और कोई बात नहीं, 32 में ही सही, नौकरी तो मिल गई। हाँ वो देखो इसने मेहनत किस हद तक की कि जितने पेपर दिए सारे पास हुए, बस ये आने में थोड़ा लेट था, लेकिन इसने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, हर पेपर पास था। ज्वाइन किस में करोगे? अच्छा कर ग्रुप डी में। अच्छा 6 महीने हो गए, अब तो सैलरी मिल रही है ना, बहुत बढ़िया बेटा। तुम्हारा बेटा किस चीज़ में? आर्मी। कितनी एज? 19 साल। ये भी 19 साल का लड़का है, आर्मी में सेलेक्ट हो गया। तुम्हें किसने कहा था कि नौकरी की तरफ चले जाना चाहिए यंग एज में? अच्छा सिस्टर पढ़ती थी, वो क्या कर रही हैं? अच्छा देखो इसकी सिस्टर पढ़ती थी, 19 साल का है, इसके मन में यंग एज से था कि बहन पढ़ती है मुझे भी पढ़ लेना चाहिए, वो सही रास्ता पकड़ गया। इसकी उम्र के कितने सारे लोग आज गलियों में नशे करते घूम रहे हैं, 19 साल तो बहुत इस तरह की कच्ची उम्र होती है। ये यहाँ मिठाई का डब्बा लेके खड़ा है और एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अगर अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन दी जाए तो एज मैटर नहीं करती, आप यंग एज में भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत ज़ोरदार तालियाँ सब लोगों के लिए, बहुत बढ़िया बेटा। अब जिसकी